हालांकि यह सच है कि कुछ जानवरों को जन्म देने के बाद कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है या जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी जानवरों को ऐसे परिणाम नहीं भुगतने पड़ते हैं। उदाहरणों में उन जानवरों का मिश्रण शामिल है जो बच्चे को जन्म देने के बाद विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। 1. ऑक्टोपस। अधिकांश ऑक्टोपस सेमल पेरस होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही प्रजनन करते हैं। अंडे देने और उनकी देखभाल करने के बाद मादा ऑक्टोपस अक्सर मर जाती है। 2. सैल्मन। सैल्मन एनाड्रोमस मछली है जो प्रजनन के लिए मीठे पानी से समुद्र की ओर पलायन करती है। अंडे देने के बाद नर और मादा सैल्मन दोनों आमतौर पर थकावट और शारीरिक तनाव के कारण मर जाते हैं। 3. प्रेयरिंग मेंटिस। प्रेयरिंग मेंटिस की कुछ प्रजातियों में मादा, जो अपने नरभक्षी व्यवहार के लिए जानी जाती है, संभोग के बाद या उसके दौरान भी नर को खा सकती है। 4. छोटी पूंछ वाला छछूंदर। छोटी पूंछ वाला छछूंदर अपनी उच्च चयापचय दर और गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान तीव्र ऊर्जा की मांग के लिए जाना जाता है। उनके शरीर पर तनाव के कारण कुछ मादा छछूंदरें जन्म देने के तुरंत बाद मर सकती हैं। 5. ब्लैक विडो स्पाइडर। मादा ब्लैक विडो स्पाइडर अपने यौन नरभक्षण के लिए कुख्यात हैं, जहां मादा अक्सर संभोग के बाद नर को खा जाती है। 6. फैलारोपे। फैलारोप्स की कुछ प्रजातियों में मादा अपने अंडे देती है और ऊष्मायन और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी नर पर छोड़ देती है। मादा कई नरों के साथ संभोग कर सकती है और अपनी संतानों को देखने के लिए जीवित नहीं रह सकती है। 7. मार्सुपियल्स। उदाहरण के लिए तस्मानियाई डेविल, कोआला। मार्सुपियल्स में एक अनोखी प्रजनन प्रक्रिया होती है, जहां मादा अपेक्षाकृत अविकसित बच्चों को जन्म देती है और उन्हें एक थैली में पालती है। कुछ मामलों में इस संवेदनशील अवधि के दौरान मादा को बढ़ी हुई भेद्यता और शिकार का सामना करना पड़ सकता है। 8. स्क्विड। ऑक्टोपस के समान स्क्विड की कुछ प्रजातियां समानता प्रदर्शित करती हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक बार प्रजनन करती हैं और फिर अंडे देने के तुरंत बाद मर जाती हैं। 9. एंटिचिनस। एंटिचिनस एक छोटा मार्सुपियल है जो अपने गहन संभोग व्यवहार के लिए जाना जाता है। नर एक उन्मादी संभोग अवधि में संलग्न होते हैं और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली दब जाती है, जिससे संभोग के बाद पुरुषों में मृत्यु दर अधिक हो जाती है। 10. उत्तरी अटलांटिक दाहिनी व्हेल। मादा उत्तरी अटलांटिक दाहिनी व्हेल को प्रजनन के दौरान अत्यधिक शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ता है। बछड़ों को जन्म देने और दूध पिलाने की प्रक्रिया माँ को काफी कमजोर कर सकती है, जिससे संभावित रूप से उनकी मृत्यु हो सकती है। 10. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दिए गए उदाहरण सभी जानवरों के प्रतिनिधि नहीं हैं, और ऐसी कई प्रजातियां हैं जहां नर और मादा दोनों जीवित रहते हैं और जन्म के बाद भी अपनी संतानों की देखभाल करते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगता है, तो कृपया ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।